और ये मुबीन Assalamualaikum, welcome back to the another vlog. तो यार इस time हो रहा है रात के 11:50. अच्छा, हमको सिखा रहा है। September और 12 बजे के बाद हो जाएगी 14 September. तो अभी सारे भाई wait कर रहे हैं केक वगैरह काट के, कहते केक काटना है. तो मैंने कहा चलो केक कट कर लेते हैं उनके साथ. तो कल वैसे सीन आया, दोस्तों वगैरह ने आना है और जो उनसे है वो सारा आपको शुगर दिखाएंगे. तो अभी कहते हैं वैसे ही सरसरी केक काट रहे हैं, पता नहीं गिफ्ट वगैरह उन्होंने देना है कि नहीं दिया, लेके आए कि नहीं लेके आए. खैर चलो कोई नहीं, तो अभी चलते हैं फिर केक काटने. ओके, अ फ्यू इंचेस लेटर. तो बस पापा का वेट हो रहा है, पापा कपड़े बदल रहे हैं. वो देखें 5 मिनट आ गए 12:00, 4 मिनट मेरे पैदा होने में सिर्फ 4 मिनट आ गए हैं. ठीक है और मैं कहता हूँ दिस इज जस्ट एन अल्ट्रा चवल. बहुत बड़ी चवल मारी है इस बंदे ने ये काम करके. दो भाई लायो भी हो गई. क्या बात है, चेक करें जनाब बहुत अच्छे माशाल्लाह. और ये मामा की तरफ से, बोलो तो सही. है उल्टी है खैर. और ये मामा की तरफ से. ओह माय गॉड, वाओ वाओ, ओए बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, सो नाइस. दूध दिखा, ये देखें जी, ये थोड़े से पैसे चीज खा ले लो. बूढ़े वाला ना दो मेरी. तो यार अभी जैसे पापा ने आईफोन गिफ्ट किया है तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ये दिया. मेरा एक तरह का ड्रीम ही था. तो समझ रहे हो, समझ रहे हो. तो पापा ने वो मुझे ले दिया, तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने ये नेमत दी मुझे. तो अब यही है कि अब व्लॉगिंग इंशाल्लाह इसी से स्टार्ट करेंगे. और जोन साहब पापा का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने ये मुझे गिफ्ट मुझे दिया. तो इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे. A few inches later. तो यार केक वगैरह काट के फ्री हो गए थे, तो अभी बस नींद बहुत आ रही है. तो सुबह काम भी है काफ़ी, तो सुबह उठिए ना फिर आपसे मिलते हैं, ताकि अभी फ्रेश सुबह जल्दी जल्दी फ्रेश उठें और जो उनसे अपनी कटिंग वगैरह करानी है सुबह, और जो उनसे बाकी उधर बलून वगैरह हो सकता है लगा लूँ मैं. नहीं शाम में 200 नहीं आना, तो उनके साथ भी शुगर लगाएंगे इंशाल्लाह. तो फिर सुबह आपसे मिलते हैं. ओके गुड मॉर्निंग वियतनाम. तो यार अभी सो के उठाऊँ, नाश्ता वगैरह किया है, अब टाइम है थोड़ी तैयारी वगैरह करने का. शाम को पार्टी वगैरह आपको जैसे पता है. तो अभी जा रहा हूँ मैं कटिंग वगैरह करवाने, कटिंग वगैरह करवा लूँ, साथ थोड़ा ख़त वगैरह बियर्ड वगैरह बनवा लूँ. तो वहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं. ओके चलो जी. A few inches later. बूम.
तो यार रेडी शेडी हो चुके हैं, अभी नहा वगैरह के तैयार हो गए हैं। बाहर जोन्स है उन्होंने तैयारी वगैरह की हुई है, पापा लोगों ने बलून्स लगाए हैं, फिर जोन्स है उन्होंने केक वगैरह लेके आए हैं। बस अब वेट हो रहा है सिर्फ दोस्तों वगैरह का, जैसे ही वो आते हैं तो फिर आगे केक काट के फिर शुगर लगाते हैं उनके साथ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि बाहर कैसे उन्होंने डेकोरेट किया बाहर उन्होंने। तो यार ये देखें, इन्होंने डेकोरेट किया है पापा लोगों ने, आपी ने, मामा लोगों ने, काफ़ी ये अच्छा लग रहा है ना। ये अभी बस लाइट गई हुई है यार, लाइट का बहुत इशू है, लाइट गई हुई है, लाइट आती है तब तक दोस्त वगैरह भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर केक काटते हैं। तो यार अब पापा से फीलिंग्स पूछते हैं कि जब मैं पैदा हुआ है तो जब पापा बने तो उनकी क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, अभी मैं बना नहीं ना तो इस वजह से मुझे पता नहीं, तो अब उनसे पूछते हैं क्या फीलिंग होती है। हाँ जी पापा, क्या फीलिंग थी जब मैं पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पहले सलाम दुआ करते हो जी। ठीक है, किस किस्म की फीलिंग पूछ रहे हो? यानी कि जब मैं पैदा हुआ आपने मुझे बिठाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने बेटी भी दे दी, बेटा भी दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम हो गया बहुत ज्यादा। तो कहते हैं वो रोंगटे खड़े होते हैं या ऐसे आता है? हाँ बिल्कुल, जब पहली औलाद को पकड़ते हैं ना तो वो फिर कुदरत की तरफ से ये इशारे होते हैं कि अब आप बाप बन गए हो, तो दाएं बाएं देखना अब छोड़ दो, अब आप बाप हो। सही। तो यार अब पता नहीं हम कब बाप बनेंगे। बड़ा हराम ही हो बेटा। अब मैं आपका बेटा कब बनेगा? इंशाल्लाह वो जब ग्रेजुएशन कर लेगा ना तो फिर इंशाल्लाह जब अल्लाह के कुदरत बन जाएगा। पता नहीं कब हमारी कब बारी आनी है। खैर चलो, वो टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन जोन से अभी तक वो आए नहीं। जब वो आएंगे अब उनको थोड़ा जलील करेंगे, फिर उनसे जोन से है ना केक कटवाएंगे। A few inches later, तो यार वो फाइनली अब दोस्त वगैरह आ गए हैं, नीचे दोस्त का दरवाज़ा खोलने गया। ठीक है, तो अब आ गए, उनको रिसीव करते उन्हें जाके। आ जाओ जनाब। वाह जी वाह, अहमद भाई इतनी लेट। तू मेरा पुत्र मसी का रहे हैं, मैं तेरे प्यो नु शिकायत लाना। दो तीन कैमरा एंगल से ना गोदी में आ जाओ। क्यों पास शेर है मुंह धोते दे हमने असल शेर आओ ही नहीं होते पकड़े ने कहीं रे। चलो मुझे पूछ के साथ कर दो सर। चलो जी वन फिनिश केक को काट लेंगे, ये केक उठा देंगे ना फिर मार वो केक को चल के आ जाने। 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे और अब ये शुरू होने लगा है आपस में दोस्तों का ठाठैया। अब आप देखें इनका क्या हाल होता है। और ये मुबीन मुबीन साहब आप क्या महसूस कर रहे हैं अब? आपने क्या अब आप ये देखिए जी, ये मुबीन कलर हो रहा है और मुबीन कलर हो रहा है। ये जो सा ये जो था ना टॉवल, ये मैंने अपने अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में, हर जगह मार के हर जगह। खाना लग चुका है।
खाना वगैरह खा के भूख बहुत लगी है, खाना वगैरह खा के फिर आपसे मिलते हैं। चलो एक्शन। अरे अरे देखो वो खा रहा है। चले ये हम आपको एक नया कॉन्टैक्ट देने लगे हैं, अब आपने ये ना ऐसे घूमना है, ये रोबोट का पकड़, ये ऐसे क्रॉस है इसका, इसको बगैर हाथ छोड़े बाहर आना है। अब कैसे आना है अब आप ये देख ले, अब शुरू होने लगा है, अब आप देखें कैसे निकलते हैं। चलो वीर साहब कैसे निकलना है, निकालो ना कैसे निकलना है। ऐसे नहीं निकलेगा, बैठो बैठो। फिर वही काम करने लगा। चलो दिखाओ बीच में से लेके आओ, बीच में से कैसे लेके आऊं फिर वो बंद हो जाएगा। चलो चलो इसलिए हम फेल हो गए, हम नहीं कर सके, आप कर सकते हैं तो आप आ जाइए, चैलेंज है आकिब साहब आपको। यार अभी प्लान बना आइसक्रीम का कि आइसक्रीम खाने जाना है, मैंने कहा चलते हैं आइसक्रीम खाने, तो अभी सारे उतर गए नीचे, तो मैंने कहा अभी आप लोगों को बता दूं कि हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, तो आपको दिखाते हैं ठीक है। सच बोलूगा तो मिलू 295 यार यार हुरारा भाई आइसक्रीम खिला रहे हैं, लेकिन इनके रंग उड़े हुए हैं पता नहीं क्यों। हुरारा भाई रंग क्यों उड़े हुए हैं आपके यार, हमसे ले लो यार, खानों के बाद कभी रंग नहीं उड़ता था, चीड़ के खाया। हाँ जी हाँ जी, शक्ल आपकी चिड़े खाने वाली है। तो फुल रंग उड़े हुए हैं इनके, ठीक है। A few inches later. तो यार आइसक्रीम वगैरह आ चुकी है, अब आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं ठीक है। ये देखें मेरा तो शेक है, बाकियों का आइसक्रीम है, ठीक हो गया। कैसी है आकिब साहब? कोल्ड कॉफी अच्छी है, मैं तो कोल्ड कॉफी। हाँ जी अंशु भाई कैसी है? मज़ेदार सिस्टम है सारा, ठीक है। तो अभी इसको ख़त्म करके तो आपसे घर जाके मिलते हैं। यार अभी घर पहुँचे हैं, तो बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो हम इस लोग को फिर हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इस लोग को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।